हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज देखिए फ्रेंड्स, फिर से मैं आप लोग के लिए बहुत ही खूबसूरत रैट यानी चूहा लेके आई हूँ। आज मैं आप लोग को चूहा बनाना बताऊँगी जो कि बहुत ही प्यारा है। अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा होगा सलाइयों से बनाना, लेकिन मैं आज आप लोग को पहली बार सलाई से चूहा बनाना बताऊँगी। बहुत ही ईजी है, सिर्फ आपको एक पट्टी से बनाना है और बहुत जल्दी बनता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे 18 फंदे लेके बनाए। ठीक, 18 फंदे लेने के बाद हम लाइन की बात करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे हमने 9 लाइन बनाई है। 9 × 2 = 18, यानी 18 सलाई जब हम दोनों साइड से उल्टा उल्टा बनाएंगे तो यहाँ पे 9 लाइन हमारी बन के आएगी। ठीक, तो आप लोग 18 फंदे डाल के 9 लाइन बना लें। अगर आप लोग इससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो 20 से 25 फंदे भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3-ply का ऊन लिया है। 9 नंबर की हमने यहाँ पे सिलाई यूज की है। अब देखिए, 9 लाइन बनाने के बाद अब हमने फंदे को घटाना है, तो वो हमने कैसे करना है। अब ये देखिए, ये तो बैक साइड का हमारा पार्ट है, जो चूहे का, मतलब ये देखिए चूहे का बॉडी का पार्ट है। अब हम फेस का, मुंह का उसके बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने फंदे को अब सीधा सीधा बनाएंगे, सीधे की साइड से सीधा सीधा, उल्टे की साइड से उल्टा उल्टा बनाना है। तो अब देखिए, यहाँ पे एक फंदा बनाएंगे। अब दोनों साइड से हमने एक एक फंदे कम करने हैं। ठीक है, फेस का सेप देना है। तो यहाँ पे देखिए, हमने एक फंदा बनाने के बाद सीधा 2 फंदे का एक करेंगे। ध्यान से देखिएगा आप लोग, 2 फंदे का एक किया, बाकी हम फंदे को सीधा सीधा बुनेंगे। बहुत ही ईजी है, इसको सभी बिगनर्स भी बना लेंगे। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि आप लोगों को कैसा लगता है और समझ में आप लोग को आता है कि नहीं। आप लोग बनाते भी हैं, अगर आप लोग बनाते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताया करें। और वीडियो देख रहे हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर दें, क्योंकि देखते बहुत लोग हैं लेकिन लाइक नहीं करते, आप लोग भूल जाते हैं। तो देखते देखते पहले लाइक कर दिया करिए आप लोग। अब देखिए, यहाँ पर लास्ट हमारे 3 फंदे हैं, तो यहाँ पर हम 2 का 1 करेंगे। ठीक, 2 फंदे का एक किया, लास्ट का एक फंदा है, इसको हम नॉर्मल सीधा बुन लेंगे। सीधा बना लिया। अब देखिए, फिर से हम आ गए बैक साइड। बैक साइड से हमने कोई भी फंदे को घटाना नहीं है। देखिए, पीछे की साइड से हम सभी फंदे को उल्टा उल्टा बनाएंगे। पहले फंदे को हमने एडजस्टेज उतार लिया, बाकी के फंदे को हम उल्टा उल्टा बना लेते हैं। इसके पहले फ्रेंड्स, अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो आप लोग देख लीजिएगा, मैंने बहुत सारे बनाए हैं, टेडी बियर और कैट बनाया है, बहुत ही प्यारे प्यारे मैंने मेंढक भी बनाए हैं। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें और बनाएं, बचे हुए ऊन का आप लोग बनाएं, गर्मियों में बच्चों को बहुत पसंद आएगा। और आप लोग कमेंट भी करें कि आप लोग नेक्स्ट क्या बनाना चाहते हैं। अब देखिए, आ गए हम आगे की साइड। तो आगे की साइड अब फिर से आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे पहले फंदे को तो हमने एज स्टिच उतार लेना है और फिर यहाँ पे हम 2 का 1 करेंगे। ठीक, 2 का 1 करेंगे, बाकी के फंदे को हम सीधा सीधा बनाएंगे। आप इसको स्किन कलर पे भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे वाइट में ज़्यादा प्यारा लगेगा, इसलिए मैंने वाइट कलर लिया है। आप कोई सा भी लाइट पिंक कलर, जिस मतलब लाइट कलर हो, उसमें फेस अच्छे से बन के आता है। अब देखिए, यहाँ पे 3 फंदे हैं तो 2 का 1 करेंगे। जब 3 फंदे हमारे रह जाए तो 2 का 1 करना है। लास्ट वाले फंदे को एज स्टिच हमने इसको सीधा बना लेना है। अब आ गए हैं पीछे की साइड। पीछे की साइड हमेशा आपको सभी फंदे को उल्टा बनाना है। यहाँ पे कोई भी फंदे को हमने घटाना बढ़ाना नहीं है। पहले फंदे को हमने उतार लिया, बाकी के फंदे को हम यहाँ पे उल्टा बनाएंगे। अगर आप लोग नॉर्मल ऊन से बना रहे हैं तो आप लोग 20 फंदे डालेंगे और 10 नंबर की सिलाई यूज करेंगे। और लाइन जो मैंने बनाई यहाँ पे 18, तो आप लोग वहाँ पे, अरे सॉरी, 9 लाइन बनाई है तो आप लोग वहाँ पे 10 लाइन बनाएंगे। 20 फंदे का रहेगा तो आप लोग 10 लाइन बनाएंगे। और सारा ये जैसे मैं बता रही हूँ प्रोसेस यही रहेगा। फिर से हम आ गए आगे की साइड। अब आप लोग देखेंगे, ये हमारा ऐसे तिकोना सा बनता हुआ जाएगा। पहले फंदे को एज स्टिच उतार देना है, यहाँ पे 2 का 1 करना है।
ये देखिए यहाँ पे तीन फंदे रह गए, अब यहाँ पे हम दो का एक कर देंगे और एक फंदे को हम ऐसे बुन लेंगे। पीछे की साइड से सभी फंदे को उल्टा उल्टा बना लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे फंदे को घटा लिया, यानी हमने देखिए यहाँ पे एक दो तीन चार, चार दूनी आठ, आठ फंदे जो हमारे रह जाएँ तो हमने इसको घटाना बंद कर देना है। ठीक, तो यहाँ पे हमारे 18 फंदे थे, अब हमारे टोटल यहाँ पे देखिए आठ फंदे बचे, एक दो तीन चार, चार दूनी आठ, आठ फंदे आपके रह जाए तो आपने ये बंद कर देना है घटाना। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने एक सिलाई अब लास्ट में ब्लैक से बनाना है, तो यहाँ पे हम फंदे को घटाएंगे नहीं, सिर्फ यहाँ पे एक सिलाई ऐसे ही हम बना लेते हैं ब्लैक से। यहाँ पे देखिए ब्लैक कलर को भी मैंने 3-ply का ही ऊन लिया है, आपके पास कोई भी ऊन हो आप बना सकते हैं, आप नॉर्मल रोल से भी बना सकते हैं। देखिए मैंने इसको यहाँ पर बांध दिया, अब एक सिलाई हम यहाँ पे सभी फंदे को ब्लैक बनाएंगे। ठीक, ये देखिए एक सिलाई हमने यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे ब्लर आ गया, एक सिलाई हमने देखिए यहाँ पे ब्लैक बना लिया। अब क्या करना है, हम यहाँ पे वाइट वाले धागे को कट कर देंगे, इसका हमने कोई काम नहीं है, तो इसको हम कैंची से लेके ऐसे कट कर देंगे और इसको हम अभी यहीं पे नॉट लगा देते हैं ताकि बाद में हमारा ये खुले ना। ये छोटी छोटी चीज़ों को आप लोग ध्यान दीजिएगा हमेशा, ये हमारा अंदर की साइड हो जाएगा। अब देखिए हमने क्या करना है, यहाँ पे हम ब्लैक कलर के धागे को थोड़ा सा लंबा कट करेंगे। अब हमने सुई लेना है, देखिए सुई लेने के बाद हम सभी फंदे को सुई में उतार लेंगे। हमने सभी फंदे को एक एक करते हुए सुई में उतार लेना है। देखिए वैसे ये हमारा ये आगे का पोर्शन बन जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर इतना लगा दिया ताकि बाद में हमें ये यहाँ पे, नहीं तो हमें ब्लैक कलर लगाना पड़ता, तो इसलिए ऐसे आप लोग करेंगे तो आप लोग के लिए अच्छा रहेगा, इससे फिनिशिंग भी अच्छी आ जाएगी। तो एक बार यहाँ पे हम ऐसे नोट लगाएंगे, क्योंकि इसकी जो सिलाई होगी वो हमारी आगे की ही साइड से होगी। ठीक, तो यहाँ पे हमने नोट लगा दिया, अब यहाँ पे देखिए इसको हम ऐसे ही पीछे ले जाके यहाँ पे चूहा का आग बनाएंगे। ठीक, आप चाहें तो आपके पास हो तो आप, अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स हमने एक साइड का ये आँख यहाँ पे देखिए बना लिया, अब इस साइड मैं आप लोग को बना के दिखाऊंगी, तो इससे देखिए आपको बहुत इजी है, आप धागे को थोड़ा सा बड़ा ही कट करें ब्लैक वाले को, देखिए आपको इसको एकदम बराबर ऐसे कर लेना है, उसके बाद सेम इसी के देखिए ऐसे, ठीक है, एकदम बराबर में दोनों आँखें रहनी चाहिए, आपको आँख ऐसे बनाना है। ये देखिए ध्यान से देखिएगा, हमने उसमें डाला फिर वहीं से ऐसे निकाला और फिर हम एक बार निकालेंगे, ये देखिए हमने फिर वहीं से निकाला, ध्यान से देखिएगा, फिर अब अंदर की साइड ऐसे ही हम इंसर्ट कर देंगे सुई को। देखिए ये हमारी दोनों साइड बहुत ही प्यारी आंखें बन के आ गई हैं,
और ये इसका मुंह रहेगा, देखिए जो हमने, नहीं तो आपको बाद में क्या करना पड़ता है, ऐसे यहाँ पे भी ब्लैक कलर के धागे से बन। अब ऐसे क्या रहेगा, ऐसे देखिए, आपको कुछ नहीं है। अब हमको इसकी सिलाई करनी है, तो वाइट कलर का ऊन लेंगे हम, वाइट कलर के ऊन से इसकी सिलाई करेंगे। देखिए जो हम चूहे की सिलाई जो करेंगे फ्रेंड्स, इसको हम पीछे की साइड से नहीं करना, हमने आगे की साइड से ही करना है। एकदम बहुत ही सफाई के साथ आपको सिलाई करनी है, देखिए एकदम बराबर में ऐसे। आपको ऐसे दोनों साइड से बराबर पकड़ के चैन में लेते हुए सिलाई करनी है। तो चलिए यहाँ तक हम सिल लेते हैं, फिर आप लोग को दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ तक सिलाई करने के बाद हमने यहाँ पे रोई को भर दिया है। ठीक, आपके पास रोई हो या पुराने ऊन हो, जैसे हम पोंपों वगैरह बनाते हैं तो बच जाता है, आप उसका भी यूज कर सकते हैं, या पुराने कपड़े के कतरन का भी यूज कर सकते हैं। अब इसको हमने गोलाई में बंद करना है। ठीक, ध्यान से देखिएगा, देखिए एक एक ऐसे फंदे में लेते हुए जाएंगे, मतलब जो हमने ये फंदे बंद किए थे, एक एक चैन में ऐसे ले जाते हुए हम इसको यहाँ पे सिलेंगे गोलाई में। तो देखिए कितना इजी है, इसको कोई भी बना सकता है, बहुत ही इजी है। आप लोग इसको किसी भी कलर में बना सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सिलने के बाद हमने यहाँ पे धागे को डबल करके और यहाँ पे हमने इसको ऐसे छोड़ दिया है, तो ये हम पूंछ बनाएंगे। तो पूंछ बनाना बहुत ईजी है। तो सबसे पहले आपको देखिए इसको ऐसे ऐसे, देखिए इसको ऐसे एक साइड से इसको आपको बस ऐसे ट्विस्ट करना है। ठीक, कभी देखिए एक ही साइड आपको ऐसे मोड़ते हुए जाना है एक ही दिशा में। ठीक, ऐसे इसको आप ऐसे मोड़ते हुए जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, मोड़ने के बाद ऐसे आप जब करेंगे और इसको आपको देखिए ऐसे पकड़ के यहाँ पे अब इसको ऐसे छोड़ देना है। ठीक, जब आप इसको ऐसे छोड़ देंगे तो यहाँ पे हमारा ये बहुत ही अच्छे से पूंछ बन के आ जाएगा, ये देखिए ऐसे। ठीक, ये देखिए कितनी खूबसूरत ये बन के आई है। अब हमको इसका कान बनाना है, ईयर बनाना है। इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए हमने यहाँ पे पहले से बना के रखे, आप लोग को समझा दूँ। हम यहाँ पे देखिए 10 फंदे डाल के, देखिए 10 फंदे इस कान का सेम एक ही जैसे बनेगा, दोनों पट्टी 10-10 फंदे डाल के 8-8 लाइन हमने ये बनाई है। लाइन की बात करें, देखिए जैसे ये हम काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आठ लाइन की इसकी बनाई है, 8 लाइन की इसकी। अब यहाँ पे हम सुई डाल के इसको, सुई में धागे डाल के इसको बंद करेंगे। ठीक, हमने इसको इसके फंदे को इसलिए नहीं बंद किया, फंदे बंद करने के बाद फिनिशिंग अच्छे से नहीं आती है, इसलिए मैंने इसको सिलाई पे ही रखा है, अलग से सिलाई पे रखा था ताकि आप लोग को फंदे बंद करके दिखाऊं। तो ऐसे आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आता। अगर मैं चाहूँ एक ही कान का बना के दिखा दूँ तो समझ में आप लोग को नहीं आएगा। तो इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा कि 10 फंदे का इसका ये कान को बनाना है, और हमने 18 फंदे को चूहे को बनाया 18 फंदे से। अब इसको हमने देखिए ऐसे इसको ऐसे लॉक कर लेना है। ठीक,
एक बार और हम इसको ऐसे बंद करेंगे ऐसे। एक्स्ट्रा धागा जो है बंद करने के बाद हम इसको ऐसे, तो देखिए इसको हमने ऐसे बंद करने के बाद ये देखिए ऐसे रहेगा। यहाँ से हमने ऐसे इसकी थोड़ी सी सिलाई कर ली है, ठीक ऐसे ये वाला सीज जो हमारा ये खुला ना आ रहा है। देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे दोनों कान को लगा लिया है, दोनों ईयर को जैसे मैंने आपको बताया था। यहाँ से आपको सिलाई कर लेनी है इस साइड से भी, और यहाँ पे देखिए मैंने ऐसे जोड़ दिया। तो देखिए फ्रेंड्स कितनी खूबसूरत ये लग रही है, ऐसे हमारी ये पूंछ बन के आई है। और ऐसे ये हमने यहाँ पे देखिए कान लगा दिया है, तो बहुत ही प्यारी ये बन के आई है, बहुत ईजी भी है। आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करें, बहुत जल्दी बनता है। आप चाहें तो देखिए ऐसे इसको सजाने के लिए भी अपना यूज कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स इसका फाइनल लुक, ये ऊन में बहुत ही ज़्यादा चमक है फ्रेंड्स, इसलिए ये थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है। बहुत ही प्यारा लग रहा है, इसकी पूंछ देखिए बैक साइड से ऐसे, और ये देखिए इसका मुंह। तो देखिए कितनी प्यारी है, आप लोग ज़रूर इसको बनाएं। तो वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, नए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।